हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशंस ऑफ क्लास 6 एंड इट्स वर्कशीट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एक बार मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग का पेज दिखा देती हूँ जहाँ से हमारी वर्कशीट स्टार्ट हुई है। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो कुछ इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, हमें इनको सोल्व करना है, ठीक है। हाँ, जब सोल्व करेंगे तो देखो कैसा है। एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन, ठीक है। मुझे दिया गया है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन। मुझे यहाँ से जो एक्स आया है, वेरिएबल आया है, इसका आंसर निकाल के बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब आप क्या रखो, देखो एक्स की जगह एक्स रखना है, इक्वल की जगह इक्वल, वन की जगह वन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में आपका वेरिएबल पार्ट रहना चाहिए, ठीक है। ये जो प्लस फोर है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस फोर। यहाँ इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। अब दोनों का क्या है, सिंबल हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेम साइन कीप एंड ऐड बट डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग सिंबल है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा नंबर है फोर और छोटा नंबर है वन। फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आएगा, थ्री। थ्री लिख दिया। अब दोनों में से आप ये देखिए कि आपको मैंने एक सिखाया था, सेम साइन कीप एंड ऐड, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर, कि दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसका सिंबल आपको लेना है। वन और फोर में सिर्फ आपको नंबर देखना है, उसके आगे सिंबल मत देखो। वन और फोर में फोर बड़ा होता है, उसका सिंबल माइनस है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस थ्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है पी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। अब पी की जगह देखो, पी वेरिएबल है तो पी को यहीं पर रखना, लेफ्ट में यहीं पर रखा, इज इक्वल टू माइनस 8, यहाँ पर ये भी यहीं रखा। ये जो 3 है ये यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है, ठीक है, डिवाइड में है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है। अब आप ये देखो, आपको ये सिखाया गया कि जो लेफ्ट में यहाँ जो ये डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। थ्री यहाँ डिवीजन में है तो उधर जाके कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थ्री। पी की जगह पी ही रखेंगे। 8 3 इज़ 24, यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा दो, ठीक है। एक ही देखो, यहाँ पर प्लस है लेकिन नहीं लिखा हुआ, सिंपल माइनस नज़र आ रहा है तो आप यही लगा दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 24। आंसर इज माइनस 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 3। वाई हमारा वेरिएबल है, इसको यहीं रखना है। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल ही रखा है, थ्री की जगह थ्री ही रखा है। अब ये देखो, लेफ्ट में हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट में छोड़ते हैं और जो कुछ भी हो उसे राइट साइड ले जाते हैं। माइनस नाइन उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस नाइन। तो वाई का आंसर कितना आएगा, थ्री और नाइन को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वेल्व। तो आंसर आएगा ट्वेल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है 17x इज इक्वल टू माइनस 85। अब आप यहाँ पर देखें कि हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल पार्ट है मीन्स ये जो x है, इसको मैं एक बार दोबारा से लिख रही हूँ। देखो क्या है, 17x इज इक्वल टू माइनस 85। एक नंबर है 17 और दूसरा है x, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर कोई भी सिंबल हमें नहीं नज़र नहीं आ रहा, मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। अब मुझे ये जो वेरिएबल है इसको तो यहीं पर लेफ्ट में ही रखना है, ठीक है, इसको तो यहीं लेफ्ट में ही रखना है। तो ये तो मैंने एक्स को तो यहीं रखा, इज इक्वल टू माइनस 85। ये 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके कहाँ आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इनको कैंसिल करना है, ठीक है। अगर आपको 17 की टेबल आती है तो आपको पता होगा, 17 वन ज़ार 17, 17 फाइव ज़ार 85, ठीक है। तो अब आपका ये कैंसिल किस पर हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा 17 वन ज़ार 17, 17 फाइव ज़ार 85। तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू, माइनस का सिंबल जरूर लगाना है और यहाँ से 5 बाय में 1 आया है, उसको आप 5 ही लिखोगे क्योंकि बाय में 1 हम कभी शो नहीं करते हैं। तो आंसर आ जाएगा माइनस 5, ठीक
है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, 10th, 12x इज इक्वल टू 12। इसको दोबारा से लिखेंगे एक बार, 12x इज इक्वल टू 12। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला किया है, 9th क्वेश्चन। दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। x की जगह x रखो, इज इक्वल टू 12, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। 12 वन्स आर 12, 12 वन्स आर 12, तो कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 मीन्स 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1। तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर की जो भी वीडियोज़ हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक और पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।